बट आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर sure कि आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लिया हो अगर अच्छी लगे वाले वीडियो सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट सो फर्स्टली आई एम यूजिंग रोज वाटर सो ये उर्वी नेचुरल्स का रोज फेस मिस्ट है सो so, इससे हमारे स्किन का पीएच लेवल जो होता है ना काफी अच्छे से मेंटेन रहता है देन उसके बाद यूज कर रही हूं मॉइस्चराइजर आप जब भी कोई मेकअप करें हैवी मेकअप नॉर्मल मेकअप सो अपने स्किन को अच्छे से प्रेप कर लें हैं कि आपकी स्किन जो हो हाइड्रेटेड रहे अंदर से एंड काफी फ्लॉलेस सा बेस लगे आपका आपके अगर बहुत ज्यादा ऑयली स्किन है सो तो आप पॉन्ट्स का लाइट वेट मॉइस्चराइजर भी यूज कर सकते हैं वो ऑयली स्किन के लिए सुटेबल है देन उसके बाद यहाँ पे यूज करिए प्राइमर जस्ट बिकॉज हमारे इतने भी ओपन पोर्स होते हैं उनको बंद कर देता है एंड हमारे फाउंडेशन जब हम लगाते हैं वो इजीली ग्लाइड होता है देन यहां पे आज फाउंडेशन के लिए मैंने यूज करा है मेब्लिन का फिटमी फाउंडेशन काफी अच्छा फाउंडेशन है आपको नॉर्मल टू शेयर कवरेज प्रोवाइड करता है बट अगर आप इसकी डबल लेयर करोगे तो इजीली आपको फुल कवरेज भी प्रोवाइड करेगा एंड ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए सुटेबल है एंड ऐसे एक फाउंडेशन ब्रश की हेल्प से ब्लेंड आउट कर लूंगी मैं एंड गाइस अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो ना करा तो कर लेना मैं वहां पे मेकअप कंटेंट्स डेली पोस्ट कर देती हूँ एंड काफी ऐसी ऐसी चीजें भी शेयर करती हूँ जो मैं अपनी पर्सनल लाइफ में यूज करती हूँ सो so, रिव्यू वगैरह भी शेयर करती हूँ वहां पर सो स्टे ट्यून so, उसका जो लिंक होगा मेरी बायो में होगा एंड नेम भी मैं इसकी इन्फॉर्मेशन जरूर कर दूंगी सो वहां पर फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना एंड वहां पे मैं अपडेट्स भी देती रहती हूँ एंड आप अपनी नेक को बिल्कुल भी फॉरगेट ना करें जस्ट जिससे कि क्या होता है आपका फेस और नेक बिल्कुल अलग अलग दिखता है तो so, ऐसा लगता है कि आपने बहुत सारा मेकअप वेयर करा हुआ है देन अब मैं लूंगी ब्लेंडर उसके बाद ब्लेंडर से हल्के हल्के से डैब डैब कर लूंगी जिससे कि जो एक्सेस प्रोडक्ट होगा ना वो सो कर ले ब्लेंडर एंड मेरा मेकअप बहुत ज्यादा नेचुरल लगे देन अब आती है कंसीलर की बारी सो so, कंसीलर को मैं अपनी अंडर आईज में एंड अपनी आईलेट पे लगाऊंगी जिससे कि जो डार्कनेस वगैरह हो वो कैंसिल आउट हो जाए एंड डार्क सर्कल वगैरह भी हाइड हो जाए वैसे मेरे ऐसा कोई बहुत ज्यादा डार्क सर्कल नहीं है एंड हल्के जो पिंपल के स्पॉट्स हैं वहां वहां पे भी लगाऊंगी एंड अपनी ब्रिज ऑफ द नोज एंड फॉरहेड पे एंड हल्की बहुत जो यहाँ पे डार्कनेस है मैंने वहां वहां लगाया है बस एंड ये कंसीलर वन ऑफ द बेस्ट कंसीलर है मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि अगर आपने नहीं ट्राई कराया तो ट्राई कर लेना सो so ये स्विस ब्यूटी का कंसीलर था ये फुल फुल कवरेज प्रोवाइड करता है आपको एंड ईजिली वन फिफ्टी तक का ही आपको मिल जाएगा फ्लिपकार्ट एमेजोन कहीं पे भी एंड एक कंसीलर ब्रश की ब्लाइंड डाउट कर दूंगी एंड अपनी आई लिड कॉल जैसे कंसील करें बिकॉज जो भी आप कलर्स लगाएंगे अपने आईलेट पे वो उससे काफी चीजें पॉपअप होकर आते हैं एंड काफी अच्छा प्यारा सा लुक मिलता है एंड अब करूंगी बेकिंग सो बेकिंग करने से क्या होता है हमारे जो एरिया होता है वो हाईलाइट हो जाता है जहां पे हम बेकिंग करते हैं और उसके साथ साथ हमें स्वेटिंग की प्रॉब्लम भी कम हो जाती है सो so अगर आपको स्वेटिंग की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है मेकअप करने के बाद बहुत ज्यादा स्वेट आता है सो so आप इसको जरूर ट्राई करना आपको काफी अच्छा लगेगा देन अपनी अब करूंगी आईलेट को सेट अगर आप क्रीजिंग की प्रॉब्लम होती है अपने आईलेट पे सो so डेफिनेटली आप सेट करना बिल्कुल ना भूलना एंड कोई भी अगर आप लुक चाहते हो आई लुक बहुत ज्यादा फ्लॉलेस सा हो क्रीज ना करे आपका बहुत ज्यादा लाइन पड़ जाती है ना कभी कभी हमारी आईलेट हम देखते हैं आई मेकअप करने के बाद सो so उससे ये प्रॉब्लम भी नहीं होती है देन अब मैं अपनी ब्राउज को फिल इन कर लूंगी सो so यहाँ पे मैंने मेकअप रिवोल्यूशन का ब्रो पोमेड यूज करा है एंड ये काफी अच्छा प्रोपो मेड है आपकी ब्राउज को बहुत ज्यादा नेचुरली फिल इन कर देता है एज यू कैन सी मेरी ब्राउज एज सच बहुत ज्यादा हैवी नहीं है सो तो हल्का सा मैंने डार्कन अप कर रही हूं एंड यहां पे जो मैंने शेड यूज करा है वो ब्राउन कलर का शेड है मैं कभी ब्लैक कलर का शेड यूज नहीं करती हूँ सो तो आप भी ब्राउन या फिर ग्रे कलर का शेड यूज करें इंस्टीड ऑफ ब्लैक सो तो यहाँ पे मैंने यूज करा है व्ड एंड वाइल्ड का शेड ऑफ पैर उसमें से ट्रांजिशन शेड लेके अपनी क्रीज लाइन को बिल्डअप कर लूंगी इसे कि हमारी क्रीज लाइन डिफाइन हो जाए एंड हमारी आई को भी काफी शेप मिल जाता है सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना होता है कलर लेके अपनी क्रीज लाइन में डिपॉजिट करना होता है बस उसके बाद यहां पे मैं ले रही हूं ब्लैक कलर का जेल लाइनर या फिर अपना काजल भी यूज कर सकते हैं जो आप चाहो वो एंड उसे सिर्फ और सिर्फ रफली लगाना है आपको आपको बहुत ज्यादा एकदम प्रोफेशनल की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आपको रफली जैसा आप लगा रहे हो आपको वैसे ही लगाना है बस आपको ये मेक श्योर करना है कि आपका जो लाइनर या फिर आप काजल यूज कर रहे हो वो आपको क्रीज लाइन तक ना जाए हाफ ऑफ द लिड में आप लगाएं बस क्रीज लाइन तक बिल्कुल ना जाए जिस बिकॉज हम ब्लैंडिंग करेंगे ना सो तो अगर क्रीज लाइन तक आप लगा लोगे सो तो वो बहुत ज्यादा ओवर लगने लगेगा देन अब मैं एक ब्लैंडिंग ब्रश लूंगी सो एक कबूकी के ब्रश सेट के ब्रश है एंड ये काफी अच्छे से ब्लेंड आउट कर देता है आपका मेकअप एंड ऐसे अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी जैसे कि कोई भी हार्श लाइंस या फिर एजेस ना रहे आपको अच्छे से ब्लेंड करना है ब्लेंडिंग में आप अपना टाइम लो एंड अच्छे से ब्लेंड करो उसे जैसे कि बिल्कुल भी बहुत ज्यादा मैस ना लगे बहुत ज्यादा क्लीन क्लीन सा लुक मिले आपको दस तो प्रोफेशनल वाला आई मेकअप देन अब मैं यहां पे यूज करूंगी ब्राउन कलर का शेड तो उससे हल्का साइज की जो लाइंस वगैरह होंगी ना उससे डिफ्यूज करूंगी जिससे कि बहुत ज्यादा हार्श ना लगे ब्लेंडिंग करना बहुत जरूरी होता है देन उसके बाद अब मैं ले रही हूँ यहां पे हुडा ब्यूटी का रोज गोल्ड रिमेस्टर्स पैलेट उसमें से ब्लैक कलर का शेड लूंगी जरूरी नहीं है कि आपको यही पैलेट लेना है बट आपके पास जो भी ब्लैक कलर का शेड हो आपको वो लेके अपने जहां पे आपने काजल या फिर अपना लाइनर लगाया था उसके ऊपर लगा लीजिए जिससे कि वो इंटेंसीफाई हो जाए एंड बहुत ज्यादा वो क्रीज ना करे सेट हो जाएगा इससे आपकी आईलिट एंड उसको हल्का सा आपको लगाना है एंड आपको ब्लेंड करते कर लगाना है ब्लेंड कर जाना है बस आपको ये अपन... ये सिर्फ और सिर्फ आपको करना है आप क्रीज लाइन तक एंड सेम डार्क ब्राउन कलर का शेड एंड जो ट्रांजिशन कलर का शेड था नो नो को मिक्स करके इसको ब्लेंड आउट कर देना जैसे कि जो ब्लैक कलर की एजेज होगा ना लाइन्स वगैरह एजेस वगैरह जो हो वो ब्लेंड आउट हो जाए सीनलेसली एकदम क्लीन लगे गया हमारे आईलेट ऐसा ना लगे हमने बहुत ज्यादा गंदगी सी मजाक रखी है एकदम प्रोफेशनल लुक के लिए आपको ब्लेंडिंग करनी बहुत जरूरी है आपको आपके पास एक ब्लेंडिंग ब्रश होना चाहिए जो कि अच्छा हो जैसे कि ब्लेंडिंग अच्छे से हो जाए देन उसके बाद यहां पे मैं यूज करी हूं लाइक मे का आइकॉनिक काजल उससे अपनी अपर एंड लोअर वर्ट लाइन दोनों को टाइट लाइन करूंगी अगर आप स्मोकी लुक कर रहे हैं सो अपनी अपर एंड लोअर वर्ड लाइन दोनों को टाइट लाइन करना काफी अच्छा लीजन मिलेगा आपको देन उसके बाद ब्राउन कलर का शेड लेके अपनी जो लोअर वर्ड लाइन है ना उसे स्मच कर लूंगी इससे हमारा जो काजल होगा वो बिल्कुल फैलेगा भी नहीं एंड काफी सॉफ्ट सॉफ्ट सा लुक भी मिल जाएगा देन उसके बाद पे यूज कर रही हूं मैं आज Maybelline का मास्टर क्रोम हाईलाइटर सो इससे अपने इनर कॉर्नर को हाईलाइट करूंगे एंड अपनी ब्राउ बोन को इससे सिंपली क्या होगा आपकी आईज काफी ओपन अप लगेंगी काफी बड़ी बड़ी लगेंगी एंड आपका आई मेकअप बहुत ज्यादा प्रोफेशनल भी लगेगा यहाँ पे आप, आप छोटा सा ब्रश यूज करें ज्यादा बड़ा ब्रश यूज ना करें देन जो मैंने एक्सेस का जो पाउडर है मेरे फेस पे जो पेकिंग करी थी मैंने उसे डस्ट ऑफ कर दूंगी अच्छे से एंड जो मेरे ब्रश में लेफ्ट होगा अपने फेस पे हल्का हल्का सा डैप डैप कर लूंगी इससे कि मेरा ओवरऑल फेस सेट हो जाए मुझे बिल्कुल बहुत ज्यादा डुई डूई ग्लोई ग्लोई फेस मेकअप नहीं चाहिए और आई वॉन्ट की पूरा मैट सा लुक मिले मुझे देन उसके बाद अब मैं यहां पे यूज करी मैं स्का सो जो की है मे प्लीन का एंड काफी अच्छा मस्कारा है इसकी दो से तीन कोट करूंगी सबसे पहले मैं आपको अच्छे से दो से तीन कोट करनी है मस्कारा की देन तो उसके बाद आप जाए पॉल्स लैशेस पे देन लोअर जो लोअर लाइन है वहां पे भी मैं अच्छे से मस्कारा लगा लूंगी देन अब मैं लैशेस लगा रही हूं सो so, मैंने यहां पे यूज करी है आज पैक की लैशेस देन अब मैं यहाँ पे यूज कर रही हूं अपने फेस को थोड़ा सा शेप में लाने के लिए ब्रोजर सो so, यहां पे मैंने एक पैलेट यूज करा जो कि एस एफ का पैलेट है एंड एक काफी मल्टी टास्किंग पैलेट है आपका अगर फेस बहुत ज्यादा ब्रॉड हो या फिर आपके फेस फैट हो सो तो आप यूज करना अगर आपका फॉरहेड थोड़ा सा बिग है ना सो तो आप यूज करना आपको बहुत प्यारा वाला ल्यूजर मिलेगा अपने दो दो चीक्स में फिलिंग कर रही हूँ हल्का सा फॉर पे लगाया है आपको तो डबल चिन की प्रॉब्लम है सो यू नो तो इतना अच्छे से वर्क करेगा आपके लिए मैं क्या ही बताऊं देन एक स्मॉल ब्रश की हेल्प से नोज पे भी हल्की हल्की सी कर लूंगी जिससे कि मेरी नोज बहुत शार्प लगे गाइस इट वर्कस अमेजिंग ये है ना एक ट्रिक है बट तो ये इससे आपका फेस ओवरऑल चेंज हो जाता है आप ट्राई जो करना ना हल्के से ब्लेंड आउट कर लेना जिससे कि हार्श ना, ना लगे कुछ भी देन अब आती है ब्लश की बारी सो मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा टर्स ऑफ ब्लश यूज नहीं करने वाली हूँ न्यूट्रल सा लुक है दैट्स वाई न्यूट्रल सा मैं अपना बेस मेकअप हूँ जैस बिकॉज मेरा आई मेकअप बहुत ज्यादा बोल्ड है दैट इस वाई सो हल्का हल्का सा ब्लश मैंने यूज करा है सेम पैलेट में से देन अब मेकअप फिक्सर क्या सेट कर लूंगी इसे की तो एक्सिस पाउडरीनेस हो या फिर एक्सिस मेकअप हो वो हट जाए एंड ब्लेंडर ब्लैंड डेप डैप कर लूंगी इसे की एक्सेस पाउडर भी हट जाएगा एंड मेरा जो होगा बेस मेकअप बहुत ज्यादा फ्लॉलेस और दू लगेगा एंड बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग भी होता है यहाँ पर मैंने ग्लैम ट्वेंटी वन का फिक्सर आप जो चाहो वो यूज कर सकते हो इवन आप रोज वाटर भी यूज कर सकते हो देन अब मैं यहाँ पे यूज कर रही हूं हाईलाइटर जो कि सेम जो मैंने अपनी अंडराइज सॉरी अंडराइज नहीं इन न कॉर्नर को हाईलाइट रहा था सो यहाँ पे मैंने यूज करा मे ब्लीन का मास्टर क्रोम ये बॉम डॉट कॉम वाला हाईलाइटर एकदम बहुत ज्यादा क्रीमी टेक्सचर है इसका एंड आई जस्ट लव दिस वन एंड अगर आपने मेरी टॉप तो फाइव हाईलाइटर वाली वीडियो ना देखी तो देख लेना बहुत प्यारा प्यारा हाईलाइटर्स मैंने शेयर करा उसके अंदर अफोर्डेबल से लेके थोड़ा हाई एंड तक अराउंड आपको 150 से आपको अराउंड उसमें 600 तक के मिल जाएंगे एंड सारे बहुत सारा बॉम डॉट कॉम है एंड अब बारी आती है लिप्स की सो so, लिप्स के लिए आज मैं न्यूट्रल लिप्स पे जाऊंगी जस्ट बिकॉज मेरा आई मेकअप बहुत ज्यादा बोल्ड है आप चाहो तो आ, ब्लैक साथ रेड लिप्स भी प्यार आप कर सकते हो बट मुझे न्यूट्रल साइड पे जाना है आज मुझे न्यूट्रल लिप्स बहुत अच्छे लगते हैं डेट्स वाई सो so, मैंने पे परसन, so, परसन, यहाँ पे यूज करा है एन वाइबिका लिप बुलेट लिपस्टिक इन द शेड पैपी पर्सन बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं इसका शेड सो इसका शेड है जीरो वन पैपी पर्सन देन उसके बाद यहां पे मैंने यूज करा स्विस ब्यूटी की मैटमी आई थिंक हाई uh, मैटमी इन द शेड एस ट्वेंटी टू एंड रियल न्यूड ये भी न्यूड कलर है सो so, यहाँ पे मेरा मेकअप कंप्लीट हो जाएगा एंड ये जो लुक है ना बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रहा था एंड मैंने अप यहाँ पे इयर रिंग्स पेयरअप कर लिया एंड यहाँ पे मैंने ब्लैक टॉप पहनी है जो कि शीन की है सो हेयर इज माई फाइनल फिनिश मेकअप लुक गाइज अगर अच्छा लगा हो उस रोल लाइक शेयर एंड कॉमेंट एंड सब्सक्राइब भी कर देना उसके बगल में पे जबल आय उसे हिट कर देना सबसे सारे वीडियोज के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे सो so, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए टेक केयर स्टे बाय बाय एंड डोंट फोर गेट टू फॉलो माइ इंस्टाग्राम जिससे कि आप मुझसे बहुत ज्यादा और कनेक्टेड रहोगे एंड वहां पे भी मैं अच्छे से कॉन्टेंट्स लेके आती हूँ आप सबके लिए सो so, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ